नीति जी, शरद पूर्णिमा पर ग्रहण पड़ रहा है और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर चांद से अमृत टपकता है, खीर रखते हैं उसमें और उस खीर को सुबह खाते हैं, इस बार ग्रहण है, कैसे होगा? निश्चय रूप से शरद पूर्णिमा में खीर का भोग लगाना और माँ लक्ष्मी को और राधा रानी को भोग लगाना बहुत ही शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, शुभता की प्राप्ति के लिए खीर को चंद्रमा की ऊष्माओं के नीचे रखा जाता है। अब समस्या ये है कि रात को 29 तारीख की मध्य रात्रि को जो ग्रहण लग रहा है वो 1:05 से लेकर 2:24 तक लग रहा है। तो जो हमको समय मिल रहा है, उस समय तो हमको ग्रहण मिल रहा है, तो इसमें एक ही उपाय रह जाता है कि सुबह 4:17 28 की सुबह, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहाँ से लेके सूर्योदय तक जो 6:30 के आसपास होगा, यानी कि 4:17 सुबह प्रातःकाल से 6:30 के बीच में अगर आप खीर को चंद्रमा की आकाश की ऊष्माओं के नीचे रखते हैं तो आपको जो पूर्णिमा का जो लाभ है खीर में वो आपको प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आपको ग्रहण के अगले दिन करना उचित रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:17 से सुबह 6:30 के बीच में खीर को बनाकर आप चंद्रमा की ऊष्माओं के नीचे सूर्योदय से पहले रखें और उसको फिर प्रसाद के रूप में आप सारे घर वाले खाएं।